हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम जून माह के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें नई नियुक्तियाँ, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, साइंस और टेक्नोलॉजी और योजनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो अभी हाल ही में सुंदर पिचई और एडना फ्रेडमन दोनों को संयुक्त रूप से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। सुंदर पिचाई की यदि हम बात करें तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्गी ब्रिल ने। और एडना फ्रिडमैन कौन है? तो एडना फ्रिडमैन नैसकॉम की अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह मानवतावादी पुरस्कार कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है? तो यह प्रोवाइड कराती है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यदि इसकी हेड की हम बात करें तो इसकी हेड है हेनरिटा एच फोर। अगला प्रश्न है, मोदी जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तभी हाल ही में मोदी जी को मालदीव देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले ही मोदी जी मालदीव की यात्रा पर गए थे और तभी उन्हें उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मोदी जी को कुछ रिसेंट में अवार्ड दिए गए हैं जो नीचे लिखे हुए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, सिवल शांति पुरस्कार। तो ये सारे अवार्ड हैं जो मोदी जी को हाल ही में प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में एशले बार्टी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। एशले बार्टी ने महिला एकल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, जबकि राफेल नडाल ने पुरुष सिंगल का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। यह फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह चारों हैं टेनिस की एक टूर्नामेंट होती है जो जनवरी में होता है। यूएस ओपन जो हो चुका है, तो यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था नाओमी ओसाका ने और पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। और अभी हाल ही में हुआ है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन में एसले बार्टी ने महिला ओपन का जीता है, महिला एकल का, और फिर राफेल नडाल ने जीता है पुरुष एकल का। तो ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट होगा वो विंबलडन ओपन होगा जो घास के मैदान पे खेला जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज 11,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विराट कोहली सबसे तेज वन डे इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली की यदि हम बात करें तो यह पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और यह पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी। और कुछ समय पहले ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मिंट्रा का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और विराट कोहली को अभी एक सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सीएट इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और पिछले साल मतलब 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने टॉप 100 एथलीट की सूची जारी की है जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। तो इसमें से पहले स्थान पे है लियोनल मेसी। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें भारत का एकमात्र एथलीट शामिल है और वो है विराट कोहली। उसमें भी विराट कोहली 100वें नंबर पे हैं, जबकि 2018 में इनकी रैंकिंग थी 83। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो मैंने सारे रैंकिंग क्रम से लिखे हैं। पहले स्थान पर रहा बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील, जबकि इसमें भारत की रैंकिंग थी 101। 2018 में भी भारत की रैंकिंग 101 ही थी। फीफा की यदि बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और इसके हेड हैं ज्ञानी
इन्फिनिटिव। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडाई ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने कनाडाई ग्रैंड प्री जीती हैं। अच्छा, इस साल लुइस हैमिल्टन ने जितने भी ग्रैंड प्री जीते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक इस तरह है, जैसे कि सीएम के पास बीएससी की डिग्री है। सीएम, सीएम मतलब किसी भी राज्य का ये मुख्यमंत्री हो सकता है, उसके पास बीएससी की डिग्री है। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? सी फॉर कनाडा, एम फॉर मोनाको, बी फॉर बहरीन, एस फॉर स्पेनिश और सी फॉर चाइनीज। तो ये सीएम बीएससी, ये है लुइस हैमिल्टन द्वारा जीती हुई ग्रैंड प्री। अब जो दो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अजरबैजान, ये दोनों ए से हैं, तो ये दोनों टाइटल जीते हैं वाल्टेरी बोट्टास ने, और दोनों ही मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अच्छा, उड़ीसा में ही स्थित है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब कर दिया गया है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस किन दो देशों के सहयोग से बनी हुई मिसाइल है? तो ब्रह्म मतलब भारत और ओस मतलब रूस, तो भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई मिसाइल है ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है, ई सिगरेट पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ई सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जो आपको ये इमेज में दिख रहा है, इस तरह का होता है ई सिगरेट, और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान भारत का 8वां राज्य बन गया है। इसके पहले 7 और राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह हैं कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है। यह राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इसमें उप विजेता रही संजना विज, संजना विज बिलोंग करती है तेलंगाना से, और ये थर्ड नंबर पे लिखा शिवानी जाधव, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लोकसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो जैसे आप लोग को पता ही है, हाल ही में 17वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें जो नए स्पीकर बन गए हैं वो बने हैं ओम प्रकाश बिड़ला। ओम प्रकाश बिड़ला का निर्वाचन क्षेत्र है कोटा, राजस्थान। कोटा राजस्थान से ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और यदि हम लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करें, तो वो सबसे पहले स्पीकर थे जेवी मावलंकर। और यदि यह पूछा जाए कि इसके पहले कौन थे, मतलब ओम प्रकाश बिड़ला के पहले, तो वह थी सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ खुला है? तो अभी हाल ही में भारत के गुजरात में, गुजरात के महिपाल जिले में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय खुला है। जो आप इमेज में देख रहे हैं, यह है भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय, और इसका उद्घाटन किया है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। अगला प्रश्न है, वार्षिक वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो अभी हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में, भारत का स्थान है 141वां। यह सर्वे 163 देशों के बीच किया गया था, जिसमें से भारत की रैंकिंग है 141वीं। इसके पहले भारत की रैंकिंग थी 2018 में 137वीं। अब भारत का स्तर और नीचे आ गया है। यदि हम इसमें पहले स्थान की बात करें, तो पहले स्थान पर है आइसलैंड, जो सबकी सबसे ज़्यादा शांत देश है। दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। और यदि इसमें हम सबसे अशांत देश की बात करें, मतलब 163 देशों के बीच में सर्वे था, तो सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक का असाम बेलू गांव
भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। और यदि पहले रेलवे स्टेशन की बात करें तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, वह भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। और यदि एयरपोर्ट की बात करें तो कोच्ची एयरपोर्ट का नाम आपने सुना होगा। कोच्ची एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अभी हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जुजाना कैपिटोवा। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये है जुजाना कैपिटोवा। स्लोवाकिया की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रतिस्लावा और मुद्रा है यूरो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन ये बहुत चर्चा में रहा था। ये है कि पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को यूएसए चीन संबंधों को सुधारने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब तो सम्मानित कर भी दिया गया होगा इन्हें। ये जो जिमी कार्टर हैं ये एक अमेरिकी राजनेता हैं और इन्हें अभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक किस देश की आबादी चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? तो यह भारत के लिए एक दुखद खबर है क्योंकि भारत ऐसा देश है यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार जो 2027 तक सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये अभी तो पहले नंबर पे है चीन का स्थान सबसे ज़्यादा आबादी वाला, दूसरे नंबर पे है भारत, लेकिन यूएन की रिपोर्ट कहती है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से भारत 2027 तक सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैर सरकारी संगठन है एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैम्पियनशिप अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में अक्षय पात्र फाउंडेशन, नाम आपने सुना होगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड से अवार्ड मिला है। आप यदि इसकी स्थापना की बात करें तो अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2000 में। और इसके यदि सीईओ की बात करें तो श्रीधर वेंकट इसके सीईओ हैं। आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि अभी हाल ही में वृंदावन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था अक्षय पात्र का, जिसमें मोदी जी ने ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद रेलवे में या पता नहीं अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने अक्षय पात्र की 300 करोड़वीं थाली परोसी है वृंदावन में। और वृंदावन है मथुरा में, वो मथुरा में ही हेमा मालिनी का निर्वाचन क्षेत्र है। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग मैंने भी बताया था 141वीं है और सर्वे हुआ था 163 देशों के बीच और पहले स्थान पर भी मैंने बताया है कि आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिसे चंद्रयान 2 के लिए मिशन डायरेक्टर बनाया गया है, तो अभी हाल ही में ऋतु करिधल को मिशन डायरेक्टर बनाया गया है चंद्रयान 2 के लिए। अच्छा, चंद्रयान 2 बहुत चर्चा में है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा अभी 15 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है मिशन चंद्रयान 2। और यदि मुथैया वनीता की हम बात करें तो मुथैया वनीता वही है जिसे 2006 में इसरो के द्वारा बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये ऋतु करिधल को भारत में रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं जेपी नड्डा। ये पहले स्वास्थ्य मंत्री थे लेकिन अब ये बन गए हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष। तो अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अब स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। और जो अमित शाह थे जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे वह बन गए हैं गृह मंत्री और इनका निर्वाचन क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में एंगर एंडरसन UNEP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी हैं।
ये किसका स्थान लेंगी, ये जॉयस मसूया के स्थान लेंगी, और ये कहाँ से हैं, ये हैं डेनमार्क से, इंगर एंडरसन है डेनमार्क से। यदि हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत का नेशनल वुमेन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है? तो अभी हाल ही में जोशना चिनप्पा, यदि आपसे वुमेन का पूछा जाए तो जोशना चिनप्पा ने जीता है, और मैन स्क्वैश चैंपियनशिप की बात की जाए तो वो जीता है महेश मंगावकर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की है। अच्छा, असम को जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, असम में है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, यह ऐसा एकमात्र पहला रेलवे स्टेशन है जिसे एनजीटी के द्वारा आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। एनजीटी के द्वारा क्या मिला है? आईएसओ सर्टिफिकेट। एनजीटी की यदि हम बात करें, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, और इसकी यदि हेड की हम बात करें तो वह है आदर्श कुमार गोयल, ए के गोयल बोला जाता है इनको। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सनराइज कौन से देश की आर्मी ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में म्यांमार देश की आर्मी ने ऑपरेशन सनराइज शुरू किया है। म्यांमार की यदि हम बात करें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा शुरू की है। वीज़ा और ऑन अराइवल मतलब दोनों में एक चीज़ फ़र्क है। जैसे म्यांमार है, म्यांमार भारत के निवासियों को वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा दे रहा है, और साउथ कोरिया के जो निवासी हैं उनको भारत अपनी तरफ से, मतलब भारत की तरफ से साउथ कोरिया के निवासियों को वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा दी जा रही है। म्यांमार की यदि हम बात करें, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, राजधानी है नेफिडो। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, साउथ कोरिया आपने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को बांटने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? 38वीं समांतर रेखा, 38वीं 38 पैरेलल लाइन। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISI के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ISI का आपने नाम सुना होगा, यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो इसके अब नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं फयाज हमीद बन गए हैं ISI के नए डायरेक्टर जनरल। और यदि हम शोएब मलिक की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया। आपको पता है कि किसे नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया है? तो गन्ने के रस को, गन्ने के रस को पाकिस्तान ने अपना नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया है। और आपको पता ही होगा पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी हाल ही में गैरी वुडलैंड ने US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। यदि ये गोल्फ लिखा है इसलिए गैरी वुडलैंड, और यहीं पे यदि टेनिस टूर्नामेंट होता, US टेनिस टूर्नामेंट, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिलाओं में जीता है नाओमी ओसाका ने, और नाओमी ओसाका ने महिला एकल का और पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना डिजिटल मुद्रा लिब्रा लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने अपना डिजिटल मुद्रा लिब्रा लॉन्च किया है। फेसबुक ने अभी एक एथेना सेटेलाइट नाम है उसका, एथेना सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जिसकी सहायता से वह पूरे दुनिया भर को इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। फेसबुक की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और इसके CEO हैं मार्क जुगरबर्ग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकसभा के कांग्रेस के लीडर बने हैं? तो जैसे आप लोग को पता ही होगा कि अभी राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है, तो अब लोकसभा में कांग्रेस के लीडर बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में एमआईटी मतलब मेरिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है अमेरिका में, और लगातार यह आठवीं बार यह शीर्ष स्थान पर रहा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसमें दूसरे स्थान पर। और यदि हम भारत की बात करें तो इस रैंकिंग में टोटल 200 संस्थानों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें से भारत के 3 संस्थान शामिल हैं, जिसमें 152 में है आईआईटी बॉम्बे, और 182 में है आईआईटी दिल्ली, और 184 में है आईआईटी बैंगलोर। तो ये 3 संस्थान हैं भारत के जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने कहा है कि भारत में किस वर्ष से सिर्फ बिजली से चलने वाली ही गाड़ियां चलेंगी? तो भी हाल ही में नीति आयोग ने ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब यह ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां 2030 तक पूर्णतः बंद हो जाएंगी, केवल बिजली से ही चलेंगी। अब ऐसा कहा गया, आप देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। यदि नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर ही लाया गया था। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, और यदि उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हैं राजीव कुमार, इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, और सीईओ की बात करें तो वो हैं अमिताभ कांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त रूप से कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक ने संयुक्त रूप से कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी कुछ समय पहले कर्नाटक ने सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया। अच्छा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग अवेलेबल है, टोटल 40 प्रोडक्टों को जीआई टैग अवेलेबल है कर्नाटक में। और अभी क्या कहते हैं, बिहार सरकार ने भी अपनी शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि कोई भी चीज़ यदि किसी क्षेत्र में फेमस है तो उसे एक टैग दिया जाता है। दूसरा, और बिहार में तो शाही लीची को दिया गया है, और महाराष्ट्र में अल्फांसो आम को दिया गया है, और सबसे पहले किसे दिया गया है तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 2004 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए 5वें योगा दिवस की थीम क्या थी? अच्छा, आप लोग को तो पता ही है योगा दिवस तो मनाया जाता है, डे सबको याद रहता है, थीम याद नहीं रहता। तो 21 जून को मनाया गया योगा दिवस, और इसकी थीम थी योगा फॉर हार्ट, और ये 5वें नंबर का था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर पावर क्रूज बोट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में केरल में भारत की पहली सोलर पावर क्रूज बोट लॉन्च की गई है। अच्छा, ये पिछले साल की ही न्यूज़ है। आपको पता है कि भारत का पहला लग्जरी क्रूज बोट कहाँ शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था गोवा से मुंबई के बीच में, और उसका नाम क्या था? अंगरिया, काफी चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए। यह एक ब्रिटिश मैगजीन है, और इसमें मोदी जी पिछले साल इसमें थे 9वें नंबर पे, लेकिन अब ये बन गए हैं पहले नंबर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो अभी हाल ही में जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन का 14th संस्करण संपन्न हुआ है। यदि हम इसके पिछले साल की बात करें तो पिछले साल यह सम्मेलन हुआ था ब्यूनस आयर्स में, और यदि इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो वह हुआ था 2008 में वॉशिंगटन DC में।
या G20 है क्या? तो G20 90s कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन का एक संघ है। तो 2019 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वह ओसाका में हुआ है, 2020 का होगा सऊदी अरब में, 2021 को होगा इटली में, और जो 2022 का G20 शिखर सम्मेलन होगा उसे अपना देश भारत होस्ट करेगा। अच्छा, बिश्केक क्या है? बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान में है बिश्केक, जहाँ पे हाल ही में अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संपन्न हुआ था। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई सडिसियस हर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में अरुंधति राय ने माई सडिसियस हर्ट नामक पुस्तक लिखी है। अरुंधति राय की यदि हम बात करें तो यह बहुत फेमस लेखिका है, जिन्हें उनकी एक रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है, और इनकी एक फेमस रचना है मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अच्छा, जोखा लहरती की बात करें तो जोखा लहरती को इस साल मैन बुकर प्राइज मिल चुका है, और ओल्गा टोकारजुक को पिछले साल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। अच्छा, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को हैदराबाद से अलग हुआ था, सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी हैदराबाद की है अमरावती। मतलब ऐसा अग्रीमेंट हुआ था कि विभाजन के 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, और तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद ही रहेगी। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ही भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया है, आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया है। गीता मित्तल की हम बात करें तो गीता मित्तल जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला न्यायाधीश हैं। डीएन पटेल की बात करें तो डीएन पटेल हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वी रामा सुब्रमण्यम है हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH सीरीज किसने जीती है? तो अभी हाल ही में FIH सीरीज मैन की और वुमेन दोनों की ही भारत ने जीती है। यदि हम FIH मैन सीरीज की बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में यह मैच हुआ था उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, और वहीं पर भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर यह सीरीज अपने नाम की। जबकि वुमेन FIH सीरीज की यदि हम बात करें तो भारत ने जापान को हराया है, और यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था जापान के हिरोशिमा में। FIH की यदि हम बात करें तो FIH का हिंदी में मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका मुख्यालय है लॉजन स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया, यह दूसरा हेल्थ इंडेक्स है। 2018 में पहला हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था, तो इसमें बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें केरल पहले स्थान पर और उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। नीति आयोग के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, और इनके नीति आयोग के जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, इंडियन तट रक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ बने हैं। कर्मवीर सिंह की यदि हम बात करें तो कर्मवीर सिंह अभी हाल ही में नौसेना के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने सुनील लांबा का स्थान लिया है। कुमार राजेश चंद्र की यदि हम बात करें तो यह SSB के अध्यक्ष बने हैं, SSB यानी सहस्त्र सीमा बल। अगला प्रश्न है, रॉ के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो यह भारत की खुफिया एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके अभी डायरेक्टर बन गए हैं सामंत कुमार गोयल, और यह अनिल धस्माना का स्थान लेंगे। रॉ की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, और इसके मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, IB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद कुमार, और ये राजीव जैन का स्थान लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1887 में। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में FAO का नया डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो अभी हाल ही में FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है इटली के रोम में, और इसके अब नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं क्यू डोंग। और इसके पहले कौन थे? तो डी सिल्वा इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। अगला प्रश्न है, लिंग समानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हाल ही में 129 देशों के बीच सर्वे हुआ जिसमें भारत की रैंकिंग 95 है, और इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। एक अफ्रीकन कंट्री का एक देश है चाड, इसमें अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो तो सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन इस बार की थीम थी, और पिछले बार की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2018 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भारत ने होस्ट किया था। 29 जून को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, 29 जून को, और 2 जून, 2 जून को तो सबको पता होगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और यदि 16 जून की बात करें तो अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को 16 जून को हराया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट जिसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से ऊर्जा मिलेगी? तो ऐसा पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है मुंबई का, सॉरी दिल्ली का, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से ऊर्जा मिलेगी। यदि मेट्रो की हम बात करें तो मेट्रो मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। और भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? तो वह चलाई गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा के हेड कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में गियानी इन्फेनिटो फिर से फीफा के हेड बन गए हैं। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है 101। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा संबल योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने युवा संबल योजना शुरू की है। अभी युवा संबल योजना क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे युवा जो अनएम्प्लॉयड है मतलब बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें 3500 रुपये तक का हर महीना राज्य सरकार देगी। 3500 रुपये किन्हें दिया जाएगा? महिलाओं और दिव्यांगों को, और पुरुषों के लिए 3000 रुपये। और इसके पहले इस योजना का नाम था अक्षत योजना, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो वो हैं मुख्यमंत्री वो हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल की बात करें तो वो है कल्याण सिंह। यदि हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है, और ओडिशा, ओडिशा की यदि हम बात करें तो ओडिशा ने हाल ही में अम्बा घरे LED योजना, मो बस सेवा, मो साइकिल सेवा आदि योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो गणतंत्र दिवस की शाम होती है उसे शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि ऐसे लोग जो एसिड पीड़ित महिलाएं हैं और एसिड पीड़ित कोई भी व्यक्ति को दिव्यांगों की सूची में शामिल किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, मध्य प्रदेश सरकार ने OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। तो ये थे जून माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। या ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।